नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं शाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी की महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह का जनपद कुशीनगर आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। जूही सिंह कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली का दर्शन कर विधानसभा कुशीनगर 333 में कई जगहों पर सभा को संबोधित किया। वहीं कुशीनगर विधानसभा 333 राजेश प्रताप बंटी राव के सोसा मठिया चौराहे पर एक सभा को संबोधित करते हुए वर्तमान सरकार की नाकामियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, आज देश में महंगाई चरम पर है। डीजल, पेट्रोल व गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। भाजपा सरकार महंगाई रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा जो गन्ना मूल्य घोषित किया गया था, उसे सरकार अपने घर का बिल तक जमा नहीं कर सकती। कुछ महीने में गैस के दाम 1000 के पार हो चुके हैं। और तो और, भाजपा सरकार में रोजगार के नाम पर शून्य नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि इन नौजवान बेरोजगारों को रोजगार दे सके। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी होती तो बेरोजगार और महंगाई पर अंकुश लगाने का कार्य करेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। उन्होंने पूरे दावे के साथ कहा, 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, क्योंकि वर्तमान सरकार से जनता तंग आ चुकी है। गोरखपुर सुनील सिंह, बालेश्वर यादव, रवि मद्देशिया, परवेज आलम, शुभम यादव, शमशाद सिकंदर, विवेक राजपूत समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अगर देखते हैं तो इंसानियत देखते हैं और इंसानियत के नाम पे आपको कुर्बान होने का भी काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, यह चुनाव आपका है, यह चुनाव समाजवादी पार्टी की कारवा को है। अगर समाजवादी पार्टी क्या आपको लगता है 2022 में समाजवादी सरकार बनी? मुझे लगता नहीं है 2022 में समाजवादी पार्टी की बहुमत से और प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। हमारे मजबूत विधायक।